देखो आज हम शुरू करते हैं कि एक्सेल में हम सेल परचेज, अगर मैं कोई माल ख़रीदता हूँ, कोई माल बेचता हूँ, तो उसको हम कैसे एक्सेल पे शो करेंगे। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा प्रोडक्ट। हम कोई एक प्रोडक्ट ख़रीदेंगे पहले और बाद में उसको सेल करेंगे। मान लो मैंने पहले प्रोडक्ट लिखा, इसके बाद अब हम लिखते हैं क्वांटिटी। उस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी है, हम जो भी प्रोडक्ट होगा, चाहे राइस हो, चाहे शुगर हो, चाहे सॉल्ट हो, ठीक है ना, जो भी हम आइटम खरीदें, जैसे मान लो एक राशन की दुकान है, उसकी वहाँ पे दाल भी बिकती है, चावल भी बिकता है, चीनी भी बिकती है, तेल भी बिकता है, तो वो सारी चीज़ें ख़रीदता है राशन वाला और फिर उसको बेचता है। सपोज़ दैट, तो हम देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से एक होल सेल प्रोडक्ट का लेके चल रहे हैं। प्रोडक्ट क्वांटिटी, यहाँ पे उसका रेट लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट। अब आप प्रोडक्ट में, हमने मान लिया राइस कि हमारा प्रोडक्ट है राइस। अब राइस हमने ख़रीदा, मान लेते हमने 5500 किलो, हमने 5500 किलो चावल खरीदे और रेट था हमारा ख़रीदने का ₹19.19, ठीक है। अब हमारा अमाउंट कितना होगा, अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, मैन्युअली अगर हमें निकालना पड़े कॉपी में, हम जैसे निकालते हैं कि भाई 5500 किलो हमने चावल ख़रीदे, एक किलो चावल का मूल्य अगर इतना है तो 5500 किलो चावल का मूल्य कितना होगा, हम गुणा करके ही निकालते हैं। तो हम भी यहाँ पे गुणा ही करेंगे, लेकिन वो गुणा डायरेक्ट 5500 और ₹19.19 में नहीं होगी, वो जिस सेल में लिखे हुए हैं उन सेल की आपस में गुणा होगी। जैसे 5500 हमारा B2 में लिखा है, ₹19.19 हमारा C2 में लिखा है, तो बराबर सम ब्रैकेट शुरू B2 गुणे C2। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, हमारे गुणा भाग जमा घटा ये चारों निशान कीबोर्ड में अगर आप राइट साइड में देखो तो जमा घटा ये गुणा ये भाग, ये चारों सिंबल एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये लिख के एंटर किया, हमारा अमाउंट निकल के आ गया कि आपके 5500 किलो चावल ₹19.19 के हिसाब से इतने के पड़ेंगे, ठीक है। हम चावल ख़रीदते हैं तो डायरेक्ट हमारी दुकान पे नहीं आ जाता चावल, एक तो होता है चावल का रेट, दूसरा होता है हम रिक्शा करेंगे, हम फिर चावल को लादने के लिए, चावल को उतारने के लिए मजदूरी भी देंगे, तो और या फिर हमने किसी के माध्यम से अगर चावल ख़रीदा तो बिचौलिए को कमीशन भी देना पड़ता है, तो वो सब चीज़ें भी इसके अंदर शामिल होती है। जैसे सबसे पहले हम मान लेते हैं फ्रेट, भाड़ा, इसके बाद वेजेस मजदूरी, इसके बाद कमीशन, ये तीन चीज़ें हमने दी हैं, ठीक है। फ्रेट, फ्रेट हमने दिया है मान लेते हैं 1%, ठीक है। 1% का मतलब ये है कि जो भी हमारा अमाउंट है हमने इसके ऊपर 1% फ्रेट दिया है, ठीक है। हम 1% जो निकालेंगे किसके ऊपर निकालेंगे, 1% हम इस टोटल अमाउंट के ऊपर 1% निकालेंगे जो कि हमारे D2 में लिखा है, ठीक है। तो फ्रेट हमारा 1% हो गया, वेजेस हो गया हमारा मान लेते हैं 0.5%, और हमने कमीशन दिया है मान लेते हैं 1.25%। हमने ये तीन चीज़ें दे दी हैं, अब हमें ये चावल कितने का पड़ेगा, पहले इन तीनों की वैल्यू निकालेंगे। फ्रेट में आ जाओ, फ्रेट है हमारा 1%, फार्मूला लगाओ बराबर सम ब्रैकेट शुरू, जैसे आप कॉपी में करते हो वैसे ही करेंगे। यहाँ पे हम 1% निकालेंगे D2 का, D2 गुड़े 1 ब्रैकेट बंद डिवाइड बाय 100 एंड देन एंटर, ये हमारा 1% निकल आया ₹1055। इसी तरह हम वेजेस निकालेंगे बराबर सम ब्रैकेट शुरू D2 गुड़े आपका है 0.5 ब्रैकेट बंद देन एंड 100 और एंटर, ये आपका आ गया 0.5% हमारा वेजेस आ गया। हम जो भी निकाल रहे हैं, 0.5% निकाले चाहे 1% निकाले चाहे कमीशन निकाले, हम निकाल रहे हैं इस D2 के ऊपर, ठीक है, जो कि हमारा अमाउंट है। कमीशन देते हैं हम बराबर सम ब्रैकेट शुरू D2 गुड़े 1.25 ब्रैकेट बंद डिवाइड बाय 100 एंटर, ये आपका आ गया ₹1356.25 समथिंग जो भी है।
तो हमारा क्वांटिटी रेट और अमाउंट ये हो गया, फ्रेट हमने निकाल लिया, वेजेस निकाल लिया, कमीशन हमने दे दिया। अब इतना सब कुछ करने के बाद हमारा टोटल क्या होगा? हमने चावल इतने का ख़रीदा, वेजेस हमने इतने दिए, फ्रेट इतने दिए, कमीशन इतना दिया, तो हमारी जेब से कितना गया? बराबर सम ब्रैकेट शुरू, D2 प्लस E2 प्लस F2 प्लस G2। हमने जहाँ जहाँ पैसे खर्च किए हमने वो सारे टोटल कर दिए एंड देन एंटर, हमारी जेब से टोटल इतना गया है। ठीक है, अब हम आते हैं वापस दोबारा सेल करने पे। ये हमारा हो गया परचेस का हिसाब। ठीक है, हम चाहें तो यहाँ पे इसको आप होम में आओ, इंसर्ट शीट कॉलम, शीट रो, ये हमारी रो हो गई। ठीक है, हमने यहाँ पे एक रो ले लिया, थोड़ा सा और ले लेते हैं, या फिर हम इसको थोड़ा सा ऐसे इस तरह से कर लेते हैं, और ये हमने कर दिया यहाँ तक, इसको आप कर दो मर्ज। यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं, मैंने लिखा यहाँ पे परचेज, यहाँ से सेंटर में कर दिया ऐसे। ठीक है, इसी तरह भी यहाँ पे आ जाते हैं, प्रोडक्ट क्वांटिटी रेट अमाउंट। प्रोडक्ट हमारा वही है, राइस हमने अभी तक ख़रीदा था, अब हम इसे बेचेंगे। राइस हमारी वही 5500 किलो, हमने सारा का सारा सेल कर दिया, इधर ख़रीदा उधर बेचा, हम ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन रेट बदल जाएगा, क्योंकि रेट हमारा जो है वो ख़रीदने का कुछ और होता है, बेचने का कुछ और होता है। हमारा 19 रुपये 19 पैसे रेट है ख़रीदने का, हमने बेच दिया इसे 25 रुपये 36 पैसे। अब यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा? बराबर सम ब्रैकेट शुरू, K2, हमारा 5500 ये वाला K2 में लिखा है, K2 गुड़े L2 ब्रैकेट बंद और डिवाइड बाय 100 एंड देन एंटर। ये वैल्यू इसलिए लिखा रहा है, आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ करो और यहाँ पे चेक करो कि क्या दिक्कत है। बराबर सम ब्रैकेट शुरू, सॉरी K2 नहीं आएगा, K3 आएगा, क्योंकि हमारा 5500 K3 में लिखा है, तो हमने ये वैल्यू यहाँ पे K3 करने, सेल का नाम K3 करना है, यहाँ भी 3 करना है एंड देन एंटर। ये आपका आ गया K3 और L3, K3 गुड़े L3 1394 रुपये। ये कुछ गलत आ रहा है, अच्छा ये डिवाइड बाय 100 नहीं है ना, क्योंकि परसेंटेज नहीं है, सॉरी ये गुणा ही होगा, ये आ गया हमारा, हमने खाली गुणा करनी है, K3 गुड़े L3 25 रुपये 36 पैसे के हिसाब से हमने 5500 किलो चावल खरीदे, इनकी गुणा करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो ये आएगी। ठीक है ना, हमने 100 नहीं लगाना, 100 हम परसेंटेज निकालते वक्त लगाते हैं। अब हमने यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ भी हमने FRIE GST, यहाँ भी हमने फ्रेट दिया, यहाँ भी हमने वेजेस दिया, और यहाँ भी हमने कमीशन दिया। हम ख़रीदने पे भी कमीशन दे रहे हैं, बेचने पे भी कमीशन दे रहे हैं, ख़रीदने पर भी हमें वेजेस पे करना पड़ रहा है और बेचने पर भी हमें वेजेस पे करना पड़ रहा है। हमारा फ्रेट है मान लेते हैं 0.5%, हमारा वेजेस है मान लेते हैं 0.3%, हमारा कमीशन है मान लेते हैं 0.65%। ये तीनों चीज़ें हमने शो कर दी, अब हम यहाँ पे आएंगे। सबसे पहला फ्रेट, फ्रेट निकालेंगे, यहाँ भी हम वही प्रोसेस करेंगे जो हमने थोड़ी देर पहले किया था। इस अमाउंट के ऊपर हमारा फ्रेट निकलेगा, इसी अमाउंट के ऊपर हमारा वेजेस निकलेगा, इसी अमाउंट के ऊपर हमारा कमीशन निकलेगा। फ्रेट में आ जाओ, बराबर सम ब्रैकेट शुरू, M2 गुड़े 0.5 ब्रैकेट बंद डिवाइड बाय 100 एंटर। M3 है, ये 2 नहीं है, ये बार बार गड़बड़ हो रही है, M3 ये आ गया आपका 697 रुपये 40 पैसे। M3 गुड़े 0.5 जो कि हमारा फ्रेट का परसेंटेज है डिवाइड बाय 100। इसी तरह वेजेस निकालेंगे, बराबर सम ब्रैकेट शुरू,
O3 मल्टीप्लाई बाय गुड़े 0.3 ब्रैकेट बंद डिवाइड बाय 100 देन एंटर। कुछ गड़बड़ हो रही है एक्चुअली में, ये ओ थ्री सॉरी ओ थ्री में तो हमारा लिखा हुआ है ना, डी थ्री को हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, सॉरी एम थ्री के ऊपर परसेंटेज निकल रही है सारी आपकी, फ्रेट की हो कमीशन की हो चाहे वेजेस की हो, एम थ्री के ऊपर निकल रही है। तो एम थ्री गुड़े 0.3 परसेंटेज है और डिवाइड बाय 100 ये आपका वेजेस आ गया। इसी तरह कमीशन बराबर सम ब्रैकेट शुरू एम थ्री गुड़े कितना परसेंट है 0.65% है ब्रैकेट बंद डिवाइड बाय 100 ये आपका 906 रुपये 62 पैसे। इस तरह से आपके फ्रैट वेजेस और कमीशन तीनों चीज़ें आपके निकल के आ गई। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमने 5500 रुपये चावल बेचने के लिए हमने जो चावल बेचा उससे हमें इतना अमाउंट मिला, फिर हमने ये भी पे किया है, ये भी पे किया है और ये भी पे किया है, तो हमारे पास कितना आया यहाँ अमाउंट बराबर सम ब्रैकेट शुरू हमारा अमाउंट है M3 के अंदर M3 माइनस हमने फ्रेट दे दिया इसमें से M3 फ्रेट दे दिया O3 वेजेस दे दिया और P3 कमीशन दे दिया, हमने तीनों माइनस कर दिए एंड देन एंटर, ये हमारा अमाउंट निकल के आ गया। ठीक है अभी इसको थोड़ा सा अमाउंट निकल के आ गया। अब हम यहाँ पे हमने सेल भी कर ली है परचेज़ भी कर ली है, आप देखो यहाँ पे ये परचेज़ है हमारा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हमारा सेल है। अब यहाँ पे आएगा आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट हम सेल में से परचेज़ घटाते हैं, सेल हमारी Q3 के अंदर है, इसी तरह हमारा परचेज़ जो है यहाँ पे अमाउंट लिख लो आप, नहीं ये आ गया नेट अमाउंट ऐसे लिख लो आप नेट अमाउंट, इसी तरह ये भी नेट अमाउंट हमारा Q3 के अंदर सेल है और H3 के अंदर परचेज है, आप माइनस करो बराबर सम ब्रैकेट शुरू Q3 माइनस H3 ब्रैकेट बंद एंटर, आपने 29,074 रुपये का प्रॉफिट कमाया है। अब थोड़ा सा यहाँ इसको हम ऐसे करते हैं और इसको हम मर्ज कर देते हैं इस तरह से, ये सेंटर में कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हम सेल, ये हमने लिख दिया सेल, इसी तरह से हमने यहाँ लिख दिया परचेज। ठीक है परचेज़ यहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट इसको हम ये कर लिया हमने इस तरह से, ठीक है इसी तरह से हम इसको भी बड़ा कर लेते हैं इतना। ठीक है ये हो गया सेल, हो गया परचेज़, इसी तरह हम यहाँ प्रॉफिट लिख देते हैं, इसको आप यहाँ से ऐसे कर दो और यहाँ लिख दो प्रॉफिट, और प्रॉफिट को भी आप हाईलाइट कर दो, ये लो ये प्रॉफिट आ गया आपका। ठीक है थोड़ा छोटा कर देते हैं ये लो, ठीक है ये हमारा सेल हो गया, ये परचेज़ हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब हमने इतना करने के बाद अब हमने क्या करना है कि जहाँ जहाँ फार्मूले लिखे हुए हैं उस सबको आपने क्लिक और ड्रैग करना है, जैसे आपने यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है आपने इसको क्लिक किया और नीचे 20 तक ड्रैग कर लिया ये लो। इसी तरह फ्रेट के अंदर फार्मूला क्लिक एंड ड्रैग, वेजेस के अंदर फार्मूला क्लिक एंड ड्रैग, कमीशन के अंदर फार्मूला क्लिक एंड ड्रैग, नेट अमाउंट के अंदर फार्मूला क्लिक एंड ड्रैग। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम इस अमाउंट के अंदर फार्मूला क्लिक एंड ड्रैग, फ्रेट के अंदर भी क्लिक एंड ड्रैग, इसके अंदर भी यहाँ भी ऐसे कर लिया हमने, कमीशन में भी हमने ऐसे कर लिया, नेट अमाउंट में भी हमने ऐसे कर लिया, इसी तरह हम यहाँ प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं इस तरह से। ठीक है जहाँ जहाँ फार्मूला था मैंने इस तरह से क्लिक एंड ड्रैग कर लिया। अब यहाँ पे आपने खाली मान लेते हैं सॉल्ट, सॉल्ट खरीदे हमने 2500 पैकेट और हर पैकेट का मूल्य है आपका 7 रुपये 20 पैसे। जैसे मैं यहाँ
रेट लिखूंगा, आप देखोगे इसने मेरा नेट अमाउंट तक अपने आप निकाल दिया सारा, क्योंकि फार्मूला लगा हुआ है। ठीक है, मैंने खाली यहाँ क्वांटिटी और रेट दिया, इसने अमाउंट, फ्रेट, वेजेस, कमीशन और नेट अमाउंट तक अपने आप निकाल दिया। इसी तरह सेल करते हैं सॉल्ट, 2500 पैकेट सारे बेच दिया हमने और 10 रुपये 26 पैसे के हिसाब से बेचेंगे। अब आप देखोगे नेट प्रॉफिट तक हमारा निकल चुका है। ये देखो, एक बार फार्मूला इस तरह लगा देने के बाद आपको खाली यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखना है। मान लेते हैं शुगर, शुगर हमने ख़रीदी 15,000 किलो, रेट है हमारा 29 रुपये 29 पैसे। आप देखो यहाँ पे वैल्यू आ गई इसकी, इसको बेच दो आप, शुगर 15,000 किलो हम बेचते हैं 31 रुपये 23 पैसे। अब आप देखो इसमें नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, ये आपका प्रॉफिट निकला है यहाँ पे। क्लियर, ये हमारा हो गया एक छोटा सा सेल और परचेस करने का फार्मूला, कि अब हम इतना हमने इसको ईजी कर लिया। कैसे, हमने हर जगह फार्मूला लगा दिया, अब आपको खाली प्रोडक्ट का नाम लिखना है, क्वांटिटी लिखनी है और रेट लिखना है, परचेज़ के अंदर और सेल के अंदर तीन चीज़ें लिखनी है, प्रोडक्ट, क्वांटिटी और रेट, परचेज़ में भी और सेल में भी, बाकी सारी चीज़ें कंप्यूटर अपने आप निकाल देगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि हम इस काम को कर सकते हैं।